कैसे हैं आप सब लोग। इन्होंने अपने फोन के वॉलपेपर से मैनिफेस्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी। नाम शेयर नहीं किया है इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैंने आपके वीडियो से ही सीखा है कि कैसे पॉजिटिव रहा जाए और कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। मेरी डिलीवरी के बाद में मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा बाहर आ गया था और वो अंदर हो ही नहीं रहा था। मैं एक्सरसाइज कर रही थी, डाइटिंग कर रही थी, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, और आपका वीडियो देखने के बाद मुझे समझ आया कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। मैं कंटिन्यू यही बोलती रहती थी, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी ये कितना गंदा दिखता है, मुझे कोई भी कपड़ा फिट नहीं आता है, इस तरीके के नेगेटिव एफर्मेशंस मैं देती रहती थी। तो मैंने अपना एक पुराना फोटो उठा करके अपने ही फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा दिया, जहां पर मेरा फ्लैट स्टमक था और मैंने जीन्स पहनी हुई थी, और मैं बस उसको कंटिन्यू अपने फोन के वॉलपेपर पर लगा रहने दे दी थी। और दिन में 3 बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने आप को यहां पर देखूंगी और ऐसे फील करूंगी कि मेरा पेट अभी भी ऐसा ही है, जबकि मैंने अपने बेबी के 6 महीने के बाद भी कोई खास प्रैक्टिस नहीं की थी एक्सरसाइज और चीज़ों की, क्योंकि शरीर उस टाइम पर अलाउ नहीं करता है इतना सब कुछ करने का। लेकिन फिर एक टाइम के बाद तो ऐसा टाइम आ ही जाता है जब हम अपनी बॉडी के साथ ही अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। मेरे साथ भी वो टाइम आ गया और फिर मैं इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगी, मैं इतनी फिट रहने वाली लड़की और ये क्या हो गया है मेरे पेट को। तब से मैंने अपने बारे में नेगेटिव बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, सोचना बिल्कुल बंद कर दिया, और मैं उस वॉलपेपर पर लगे हुए फ़ोटो को देख करके यही सोचती थी कि बस मेरा पेट बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। और इसके साथ ही मैं अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देती थी और मैंने डाइटिंग में थोड़े बहुत चेंज कर दिए थे। मैं जितनी भी और चीज़ें ऐसी लेती थी जो अनहेल्दी थी, मैंने उसे ख़त्म कर दिया। हेल्दी फूड मैं इसलिए लेती थी क्योंकि मुझे फीड कराना होता था, और आज मुझे कोई भी देख करके ये नहीं बोलता है कि मुझे बेबी हुआ है और वो भी सिजेरियन। अब मेरा पेट बिल्कुल ही फ्लैट हो चुका है और मैं अपने आप को देख करके बहुत खुश होती हूँ। मैंने जहाँ पर मिस्टेक की थी मैंने उसे जानबूझ करके आपको बता दिया है, ताकि अगर आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को उससे हेल्प हो जाएगी जो डिलीवरी के बाद में अपने पेट को अंदर करना चाहती हैं, लेकिन वो बार बार नेगेटिव बोलती रहती हैं। वो इस आइडिया को लेकर के अपने पेट को अच्छा कर सकती हैं और मैनिफेस्ट कर सकती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बटरफ्लाई फैमिली, थैंक यू, थैंक यू। डिलीवरी के बाद सच में जो पेट होता है वो बाहर आ जाता है और कुछ टाइम तक हम कुछ नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से डिलीवरी कैसी भी हो, आपकी नॉर्मल हो तो ठीक है, आपकी रिकवरी थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, सिजेरियन हो तो थोड़ी सी लेट हो जाती है। पर कायदे से डिलीवरी कैसी भी हो, अगर आपने बेबी डिलीवर किया है तो आपका शरीर मतलब हो जाता है गड़बड़, वैसा तो नहीं रहता, आपका शरीर पूरी तरीके से बदल जाता है। तो ये चीज़ मैंने भी फील की है, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, और उसके बाद पेट को अपनी जगह लाने में बहुत मेहनत वाला काम होता है जो लग जाता है, तो मुझे पता है कि क्या हो रहा होगा इनके साथ। हालांकि मेरे साथ ये नहीं हुआ था, मेरे क्योंकि मैं अपने पेट को लेकर के कभी नेगेटिव हुई ही नहीं। ऑब्वियसली पेट तो सभी का आ जाता है यार, मेरा भी आ गया था, तो मैं नेगेटिव नहीं हुई, बल्कि मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया था कि यार मैंने बहुत बड़ी चीज़ की है, मैंने बहुत बड़ा काम किया है, आई डिलीवर्ड अ चाइल्ड, अ किड, है ना, एक बेबी को मैंने जन्म दिया है, तो इतना तो ठीक है ना, थोड़े टाइम के बाद में हम इसको ठीक कर लेंगे। तो मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया था। अब इनके साथ क्या हो रहा था, एक अच्छा खासा लंबा टाइम निकल गया, लेकिन ऐसा होता है कि उस टाइम पर वैसे भी हमारी जो बॉडी होती है इतनी चेंज हो चुकी होती है, और हम जब अपनी बॉडी को उसके बाद देखते हैं बेबी हो जाने के बाद, तो बहुत अजीब सा लगता है, बहुत अलग सा फील आता है। तो वो चीज़ इतना इजी नहीं होता कि एकदम से आप उसको लेकर के पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाओगे। अगर आप भी इस चीज़ को लेकर के नेगेटिव सोचते हैं ना, तो उस चीज़ को चेंज कीजिए और इनका आइडिया अपना लीजिए कि भाई मेरा पेट ठीक है, एकदम फिट है, और अगर आप बेबी के पहले फिट थे और आपके पास वो फोटो है अपनी, तो आप अपनी वॉलपेपर पर उसको लगा सकते हैं और ये फील कर सकते हैं कि अभी आपका स्टमक वैसा ही है। मैंने क्या किया था, आपको मैं वो आइडिया दे देती हूँ। मैं नेगेटिव नहीं हुई थी अपने पेट को लेकर के, लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी थी, क्योंकि सिजेरियन था तो हीलिंग को टाइम हो जाता है, और आप उस बीच में बहुत कुछ ऐसे वर्कआउट्स एंड ऑल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बेबी फीड कर रहा होता है, तो डाइटिंग भी आप वैसी नहीं कर सकते कि आप डाइट पर चले गए हो, बेबी
फीड कर रहा है, तो हमें वो भी सोचना है, वो मेन मेन जो कंसर्न है वो है अभी। तो मुझे लगता है ऐसे टाइम पे खैर डाइटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अगर आपकी बॉडी थोड़ा अलाउ करती है तो वो आप कर सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने बहुत हेल्दी, मेरी 9 मंथ भी मैंने बहुत हेल्दी खाना खाया था, और मैंने डिलीवरी के बाद में मैं सारे हेल्दी ऑप्शंस चूज करती थी। रीज़न ये था कि मुझे लगता था कि अभी बेबी फीड करता है, मेरी बॉडी से ही वो ले रहा है, तो मैं ऐसी कोई चीज़ कंज्यूम ना करूं जिससे कि उसको हार्म हो, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्दी ऑप्शंस ही लेती थी। तो इस वजह से भी जो फैट होता है ना, जब हम अनहेल्दी ऑप्शंस ही चूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो फैट बढ़ जाए और आपकी बॉडी थोड़ी चेंज हो जाए। ऑब्वियसली स्टमक की तो बैंड बजी होती है और थोड़ा सा लोअर पार्ट पर आपकी ख़राब हो ही जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मैंने इन चीज़ों का ख्याल रखा था। वर्कआउट मैंने लेने हल्के हल्के शुरू कर दिए थे, हल्का हल्का मैंने वॉक वगैरह जो भी मेरी बॉडी जिस तरीके से अलाउ करती थी मुझे, बस मैंने उतना उतना करना शुरू कर दिया था। और मैं पॉजिटिव थी इस बात को लेकर के, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बिल्कुल ही ख़राब बॉडी से बहुत फिट बॉडी में आई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा ही मोटी थी, तो मैं बहुत फिट बॉडी में आई थी, तो इसलिए मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी था। मुझे पता था कि यार मैं आ जाऊँगी, मैं ऑलरेडी एक मेहनत करके इस बॉडी में आई हूँ और अब मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट पा ली है, मेरे पास बेबी है, तो मैं दोबारा भी कर लूँगी, थोड़ा टाइम देती हूँ खुद को। तो अगर ऐसा है ना, तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखिए, और अपनी बॉडी से अगर आप इस वक्त संतुष्ट नहीं भी है ना, तो कोई बात नहीं यार, बॉडी है, ठीक है, और अभी अभी बेबी आया है इस दुनिया में, थोड़ा टाइम लगेगा, बॉडी ठीक हो जाएगी, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना अपने शरीर के ऊपर, थोड़ा सा टाइम जाने दीजिए, बेबी को थोड़ा सा संभल जाने दीजिए, आप भी संभल जाइए, बॉडी ठीक हो जाए, लगे कि हाँ अब मैं अच्छा फील करती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अभी मेरी बॉडी में पेन है उस वो वाला, और मैं कंफर्टेबल हूँ अपने शरीर के साथ। डेफिनेटली आप जाइए, आप जो कर सकते हैं करिए, और बस अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। मुझे लगता है वो मोमेंट्स को इन्जॉय करना चाहिए, बजाय ये सोचने की यार मेरा शरीर ख़राब हो गया। मैंने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को भी देखा है जो महीने और 2 महीने या 3 महीने होने के तुरंत बाद एकदम से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, मेरा शरीर ख़राब हो गया है। आई अंडरस्टैंड कि फील होता है, लेकिन मुझे लगता है उससे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है कि हम अभी फ़िलहाल अपने मदरहुड को इन्जॉय करें, उस छोटे से बेबी को इन्जॉय करें, उस हर मोमेंट को इन्जॉय करें। ठीक है, शरीर चेंज होता है यार, डिलीवरी हुई है तो चेंज होगा, और अगर ये ऐसे चेंज हुआ है तो हम उस पर थोड़ी सी मेहनत करके और चेंज कर लेंगे। सो बी पॉजिटिव, मेरा माइंडसेट ऐसा ही था, परम के होने के बाद में भी मेरा माइंडसेट ऐसा ही था, बस हो गया थोड़ा सा टाइम लगता है, सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। सो बी पॉजिटिव, अगर आपके भी साथ ऐसा है सो बी पॉजिटिव, ट्रस्ट मी बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक होंगी। अब सबसे देखिए ख्याल अपने आपसे कीजिए, ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।